नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव का स्पेशल प्रोग्राम। दोस्तों, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम किया था कि प्रेगनेंसी के दौरान यूटीआई की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि हमारे यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी भी ऐसी प्रॉब्लम कई महिलाओं को होती है, तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। देखिए, आप प्रेग्नेंट हो या आप प्रेग्नेंट नहीं हो, लेकिन महिलाओं में ना यूटीआई की प्रॉब्लम बहुत रहती है और शायद लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कई महिलाएं सोचती है कि ये यूरिनरी प्रॉब्लम होती क्यों है, शायद हम टॉयलेट गंदा यूज़ करते हैं, शायद हम मतलब अपना तो सब कुछ ध्यान तो ढंग से रखते, हम तो अच्छा खाते, फिर भी क्यों हो जाता है। देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम प्रेगनेंसी की बात ले लेते हैं पहले। प्रेगनेंसी में यूटीआई होना एक कॉमन चीज़ है, हो जाता है। मेरे को भी अपनी प्रेगनेंसी में यूटीआई की प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि जब मैंने कंसीव किया था उससे 1 से 2 महीने पहले मुझे यूटीआई की प्रॉब्लम हुई थी और वो पूरी प्रेगनेंसी चलती रही थी, लेकिन मैं दवाइयों पर थी तो वो कंट्रोल में रही। देखिए, कई बार होता है कि आप प्रेग्नेंट होती हैं और आपको इन्फेक्शन आपकी बॉडी में ऑलरेडी आ चुका होता है, तो वो जो होता है प्रेगनेंसी में वो चीज़ बढ़ जाती है, तो आपको पता भी नहीं लगता। लेकिन आपको उस वक्त ना डॉक्टर से जांच ज़रूर करानी चाहिए। आपको, आपने देखा होगा कि अक्सर जब हम डॉक्टर विज़िट के लिए जाते हैं तो वो सबसे पहले हमारा बीपी और यूरिन टेस्ट ज़रूर लेते हैं। वो इसीलिए लिया जाता है कि आपके बॉडी में देख सके कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। तो आप उस टेस्ट को तो ज़रूर कराइएगा, जब भी आप विज़िट के लिए जाएं, डॉक्टर विज़िट के लिए जाएं, तो यूरिन और बीपी ज़रूर मेजर करिए। वो डॉक्टर कंपल्सरी होता है, ये ज़रूरी होता है, साथ ही वेट भी ज़रूरी होता है। तो उसमें वो जांच में पता लग जाता है कि प्रेगनेंसी में आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है या नहीं। अगर ज़्यादा है तो वो दवाइयों से उसे कंट्रोल करते हैं। आपको अब बताती हूँ कि पोस्ट प्रेगनेंसी में ऐसी क्यों प्रॉब्लम हो जाती है। देखिए, पोस्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है, कई बार होता है कि हम लोग गंदी पैंटीज़ यूज़ कर लेते हैं, जी हाँ, और उस टाइम हमारा ब्लीडिंग हो रहा होता है पोस्ट प्रेगनेंसी में, यानी डिलीवरी के बाद, तो हम जो पैड होता है वो गंदा यूज़ कर लेते हैं, यानी कि उस पैड में ऑलरेडी बैक्टीरिया या कुछ ऐसे जर्म्स आ चुके हैं, हाथों से किसी ने उसे छुआ है, मल्टी हैंड्स उस पर लगे हैं, तो ये भी एक रीज़न है। साथ ही आप हो सकता है कम पानी पी रही हैं, जी हाँ, प्रेगनेंसी के बाद आपको पानी का बहुत ध्यान रखना है, अपने हाइड्रेशन का। अगर आप अपने हाइड्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे तो यूटीआई की प्रॉब्लम आपको कभी नहीं सताएगी, तो आपको ये भी चीज़ का ध्यान रखना है। और आपको ये देखना है कि डॉक्टर ने आपको जो सजेस्ट की हैं दवाइयाँ, आप उसे कंटिन्यू ले रही हैं या नहीं ले रही, और आपको अपने हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना है। आपको देखिए, अगर मान लीजिए आपकी वजाइनल डिलीवरी हुई है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी हुई है और स्टिचेस आए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर आपको हाथ बार बार नहीं लगाना है, वो भी स्पेशली गंदे हाथ तो बार बार नहीं लगाने हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भी आप पैड यूज़ कर रही हैं, पैंटीज़ पहन रही हैं, वो बहुत धुली हुई अच्छे से होनी चाहिए और उसमें कोई जर्म्स नहीं होने चाहिए। तो इन चीज़ों को, आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना है। साथ ही आपको सेंटेड प्रोडक्ट्स अपने वजाइनल एरिया में बिल्कुल नहीं लगाना है, यानी कि जैसे वॉश आते हैं कई मार्केट्स में, आपने देखा होगा वजाइनल वॉश आते हैं, वो आपको यूज़ नहीं करने हैं, और साथ ही साबुन बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट प्रेगनेंसी, कि आपको वजाइनल अगर यूरिन की प्रॉब्लम है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम, तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ज़रूर ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे एक ही मेरी राय है कि भाई आप पानी खूब पीजिए, आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं सताएगा। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है और आपकी क्वेरी से रिलेटेड है, तो आप बिल्कुल भी एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें।